हेलो दोस्तों, करियर पॉइंट क्रिएशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक सिंपल सा एंगेजमेंट रिंग बनाने वाले हैं। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर्स हो तो इस वीडियो को फॉलो करके ये रिंग बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट में जाएंगे और उसके बाद एक सर्कल बना लेंगे जो कि हमारा रिंग साइज़ है। यहाँ पर हमने 16 mm का एक सर्कल बनाया है। अब इस सर्कल को हम ऑफसेट करेंगे 1.5 mm से। ऑफसेट करने के बाद दोस्तों, इन दोनों कर्व को सिलेक्ट करेंगे। सिंपली हम लॉक कमांड से सरफेस बना देंगे। अब इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, ऑफसेट करेंगे, बोथ साइड पे यस करेंगे और 2.5 डिवाइडेड बाय 2 एंटर करके हम इसको मेटल बना देंगे। इसको हम सिंपली फ्लिटेज कर देंगे 1.2 mm से। अब हम अपने डायमंड को इम्पोर्ट कर लेंगे। डायमंड को इम्पोर्ट करने के बाद सिंपली हम टॉप पे जाएंगे और इस तरह से हम एक सर्कल बना देंगे। इस सर्कल को सेलेक्ट करेंगे, स्केल 1D कमांड से इसको हम इस तरह से स्केल कर देंगे। अब इस कर्व को हम ऊपर मूव करेंगे। अब हम सिंपली इस कर्व को मेटल बना देंगे। मेटल बनाने के बाद इस मेटल को हम इस तरह से स्केल करके इसकी थिकनेस को फ्रंट व्यू से बढ़ा देंगे। अब हम एक लाइन बना लेंगे, इस तरह से एक लाइन बनाएंगे और इस लाइन को हम सिंपली ऊपर मूव कर देंगे। रिबिल्ड करेंगे हम इसको 0.4 से, देन इसको हम मेटल बना लेंगे। मेटल बनाने के बाद इसको हम मूव कर देंगे, यहाँ पर पॉइंट्स ऑन करेंगे, ऊपर के तीनों पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और इसको हम इस तरह से मूव कर देंगे। सिंपली हम इसे एडजस्ट कर लेंगे अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। अब इस मेटल को सेलेक्ट करेंगे, मिरर कर देंगे, हल्का सा इसे और मूव करना है। तो लीजिए दोस्तों, हमारा जो रिंग है वो अब रेडी हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके सिंपली आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।